हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं हूँ मांपी गोपदास और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स। वो है हाउ टू बिकम ए कूल एंड काम मॉम। अब सबको यही लग रहा है कि मॉम और कूल एंड काम ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों मैं खुद एक मॉम हूँ और मेरा 3 ईयर्स ओल्ड एक बेबी है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, लेकिन फिर भी मैं दिन में एक भी टाइम गुस्सा नहीं होती हूँ और कूल एंड काम रहने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो टिप्स मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आप सब भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इससे मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये एक दिन में हो जाएगा, ये एक प्रोसेस है, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा टिप्स नंबर 1। ट्राई टू टेक सम रेस्ट। मुझे पता है एज ए मॉम दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट जस्ट ट्राई, क्योंकि अब जब प्रॉपर रेस्ट करोगे तो इमोशंस के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। फिर आपको जो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है वो नहीं होगा, बिकॉज यू हैव इनफ एबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड एक्शंस। नंबर 2, गेट अप बिफोर योर किड्स। अगर आप अपने बच्चे से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर सुबह उठ जाते हो तो आपका खुद का बहुत सारे काम हो जाएगा और फिर एक माइंडसेट भी हो जाएगा कि पूरा दिन क्या क्या करना है। यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द डे बोथ मेंटली एंड फिजिकली। नंबर 3, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। दिन में एटलीस्ट एक बार खुद के लिए टाइम निकालो और वो काम करो जो आपको बहुत पसंद है। इससे आपको रिफ्रेशमेंट एंड जॉयफुल फीलिंग्स होगा। नंबर 4, डीक्लेटर एंड क्लीन। आप अपने घर को क्लीन एंड डीक्लेटर रखने से और चीज़ें अच्छे से सही जगह पे रखोगे तो ये आपका मन को शांति देगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही आपके लिए बहुत ही पीसफुल रहने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। हैव ए कोपिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कि आप जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और जो काम 2 मिनट में पॉसिबल है हो जाएगा वो काम जल्दी कर लो, और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो चीज़ पहले कर लो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। नंबर 5, वो है फाइंड आउट व्हाट ट्रिगर्स यू एंड एड्रेस इट। पहले तो आप वो दिन भर अच्छे से सोच लो कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपको परेशान करता है, वो चीज़ें आप पहले एड्रेस करो, वो चीज़ें ढूंढ निकालो और फिर उसको ट्रिगर करो। डोंट टेक इट पर्सनली। कभी भी बच्चे कुछ कह रहा है बोल रहा है वो उसको पर्सनली मत लो, क्योंकि वो बच्चे है, उसे ज़्यादा समझ नहीं है, वो जब मन चाहे जो चाहे करता है, तो उसको पर्सनली मत लो। एंड स्टे अवे, अवॉइड पनिशिंग। कभी भी गुस्से में आकर बहुत रूडली कुछ पनिशमेंट मत दो बच्चों को। पहले आप काम रहो, बच्चों को समझाओ कौन चीज़ गलत है कौन चीज़ सही है, फिर उसको आप पनिश करो, लेकिन उसको हर्म मत करो, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिएक्शन। आपको अपने रिएक्शन में अगर आप गलत हो तो उसे आपको समझना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ। खुद को मतलब मैं ब्लेम करो वे नहीं कहती हूँ, लेकिन आपको मतलब ये समझना चाहिए कहाँ आप गलत हो कहाँ बच्चे गलत है। जहाँ आप गलत हो वहाँ पर आप सॉरी बोलो, जहाँ बच्चे गलत है उसे समझाओ और फिर उसे भी बोलो कि सॉरी कहने के लिए। और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा स्टॉप हो जाओ और ब्रीद लो, और ब्रीदिंग के बाद आप फिर से सोचना शुरू करो, क्योंकि अगर आप
बीच बीच में थोड़ा स्टॉप रह के कुछ ब्रीदिंग लेके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आप काम करोगे तो वो काम अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका कोई फ्रेंड है, आपके ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपके तरह मॉम है, तो उसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करो। उसके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करने से देखोगे कि वो भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी सेम पेन से गुजर रही है। तो ये आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स फील कराएगी कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। तो फिर एक दूसरे के साथ बात करते करते, आप एक दूसरे से बात करते करते ही आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा कुछ टिप्स जो आप सबको फॉलो करना चाहिए, और आप फॉलो करो। और अगर ये हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।